गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं मैक्सिमम फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? मैक्सिमम फॉर्मूला की मदद से आप अपने डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? मिनिमम फॉर्मूला की मदद से आप अपने डेटा में से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं नॉर्मल और पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या अंतर होता है? नॉर्मल में आप अपनी पूरी शीट को देख सकते हैं, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप सिर्फ जहां तक आपका डेटा होगा सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, बताए गए तरीके से फाइल को ओपन करके दिखाएं। आइए अब जानते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे। आज आप जो सीखेंगे वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैनुअल ब्रेक, सेल्स, रो, कॉलम, सीट, सीट फ्रॉम फाइल, हाइपरलिंक, फंक्शन लिस्ट, और सबसे बाद में आप चार्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में आप इफ एंड और काउंट काउंट ब्लैंक के फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएं अथवा कोई सेव की गई फाइल को ओपन करें। आइए अब मैनुअल ब्रेक के बारे में सीखना शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्प्रीड शीट में मैनुअल ब्रेक का उपयोग क्यों करते हैं? स्प्रेड शीट में आप मैनुअल ब्रेक का उपयोग कॉलम अथवा रो को बांट सकते हैं। रो और कॉलम को आप जब भी ब्रेक करेंगे तो आप उस भाग को दूसरे पेज में प्रिंट कर सकते हैं। मैनुअल ब्रेक को हटाने के लिए आप एडिट मेन्यू की मदद से डिलीट मैनुअल ब्रेक ऑप्शन की मदद से हटा सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर मैनुअल ब्रेक का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से पेज ब्रेक के बारे में सीखें। पेज ब्रेक की मदद से आप पेज को ब्रेक करके दूसरे जगह पे ला सकते हैं, डेटा को दूसरी जगह पे लाके प्रिंट करा सकते हैं। स्प्रेड शीट के अंदर पेज को नहीं, आप रो और कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा। फिर अपने पॉइंटर को मैनुअल ब्रेक पे लेके जाएं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, रो ब्रेक और पेज ब्रेक। रो ब्रेक पे क्लिक करेंगे। रो ब्रेक पे क्लिक करने से जहां पे आपने कर्सर रखा है वहां से रो ब्रेक हो जाएगी, वो दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो उसे आप दूसरी जगह से प्रिंट कर सकते हैं, दोनों अलग अलग पेज पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि रो ब्रेक हुआ है या नहीं। इसके लिए हमें पेज प्रीव्यू पे देखना होगा। उसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा, फिर हमें पेज प्रीव्यू ऑप्शन को ढूंढना है। जैसे ही पेज प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने रो ब्रेक किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जहां पर हमने कर्सर रखा था, जो पहला वाला ऊपर वाला पोर्शन था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वो पहले पेज पे है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जब आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, जब इसे नीचे करेंगे, तो जो बाकी का डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे दो पेज हैं। फिर यहाँ से क्लोज प्रीव्यू कर दें, वापस नॉर्मल पेज पे आ जाएं। अब हमें कॉलम ब्रेक करनी है। जहां से आपको कॉलम ब्रेक करना है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, मैनुअल ब्रेक को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक। अब हमें कॉलम ब्रेक करनी है तो कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां पर हमने कर्सर रखा था वहां पे एक ब्लू कलर से लाइन आ गई, मतलब कि यहाँ पे कॉलम ब्रेक हो चुका है। हमें यहाँ पे सिर्फ लाइन नॉर्मल व्यू में हमें सिर्फ लाइन दिखाई दे रहा है। इसको फिर से देखने के लिए हमें पेज प्रीव्यू करना होगा। अब पेज प्रीव्यू पे करने के लिए फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है
और पेज प्रीव्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप पेज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक हो चुका है। ये फर्स्ट कॉलम का पेज है जो पहले पेज पे आ गया है। जब स्क्रोल डाउन करेंगे जो बाकी का जो पेज ब्रेक हुआ है, जो कॉलम ब्रेक हुआ है, वो सेकंड पेज पे आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक कर दें, वो फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। अगर आप रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक को हटाना चाहते हैं, हटाने के लिए आप सभी को एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर अपने पॉइंटर को डिलीट मैनुअल ब्रेक पे लेके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो ब्रेक का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट किया था, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉलम ब्रेक को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम ब्रेक हुआ था, जो लाइन थी वो यहाँ से हट गया। अब हमें रो को हटाना है, रो ब्रेक को हटाना है, तो हमने यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक के एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को डिलीट मैनुअल ब्रेक पे लेके जाएं। अब यहाँ पे देख सकते हैं रो ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, अब रो ब्रेक को सिलेक्ट कर लें। जैसे आप रो ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे, जो लाइन था वो यहाँ से हट जाएगा, जो हमने रो ब्रेक किया था वो हट जाएगा, वो पहले जैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्प्रेडशीट के अंदर रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक कर सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। आइए अब सेल्स ऑप्शन के बारे में सीखें। क्या आप बता सकते हैं सेल ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सेल ऑप्शन की मदद से आप अपने शीट पर एक नए सेल को इंसर्ट कर सकते हैं अथवा एक नए सेल को ला सकते हैं। सेल्स को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस प्लस होती है। आइए अब वीडियो की मदद से सेल ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सेल को इंसर्ट करना सीखें। अगर आप नया सेल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नया सेल को इंसर्ट करना होता है। सबसे पहले जहां पे आपको नया सेल इंसर्ट करना है वहां पे क्लिक करें। जैसे हमने मैथ के बाद जो सेकंड रो में है 56, वहां पे हमने सेलेक्ट किया। फिर अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर सेल पे क्लिक कर दें। या चाहे तो आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस प्लस का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है सिलेक्शन का, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। अगर शिफ्ट सेल डाउन करेंगे जो आपने सिलेक्ट किया था उससे एक नीचे ब्लैंक सेल आ जाएगा, अगर राइट में करेंगे तो राइट साइड में आएगा, अगर पूरी इंटायर रो चाहिए तो इंटायर रो को, अगर एक नई कॉलम चाहिए तो इंटायर कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया, जो नई सेल है वो ऊपर आ जाएगा और जो पहले से था उसे शिफ्ट होके वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेल का उपयोग कर सकते हैं और कहीं पे भी नए सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब रो ऑप्शन के बारे में सीखें। क्या आप बता सकते हैं रो ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? रो ऑप्शन की मदद से आप शीट पर एक नए रो को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से रो ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से रो को इंसर्ट करना सीखें। जहां पे आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं पहले वहां पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया, एक बॉक्स आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर रो पे क्लिक कर दें, जैसे ही रो पे क्लिक करेंगे एक नया रो आ जाएगा।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब उस रॉ के अंदर आप उस रॉ के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे ए बी, फिर 63, 64, 66 एक नए रो के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप नए रो को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? कॉलम ऑप्शन की मदद से आप अपनी सीट में और भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से कॉलम ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से कॉलम को इंसर्ट करना सीखें। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, फिर अपने पॉइंटर को कॉलम पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक नया कॉलम आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया, हमने वहां पे रोल नंबर लिखा। तो इस प्रकार से आप नए कॉलम को इंसर्ट करके उसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। जहां पे आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं आपको पहले वहां पे क्लिक करना होता है। इस प्रकार से आप किसी भी कॉलम को, कितने भी कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं, नए कॉलम को ला सकते हैं। आइए अब सीट ऑप्शन के बारे में सीखें। क्या आप बता सकते हैं सीट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सीट ऑप्शन की मदद से आप बहुत सारे सीट्स को ला सकते हैं, लेकिन सीट ऑप्शन का उपयोग करते समय पता होना चाहिए कि आपको किस सीट से पहले और किस सीट के बाद में नए सीट को इंसर्ट करना है। आइए वीडियो की मदद से सीट ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीट का उपयोग करना सीखें कि नए सीट को कैसे इंसर्ट करते हैं। नए सीट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर अपने पॉइंटर को सीट पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है बिफोर करंट सीट, आफ्टर करंट सीट, जो हमारा पहले जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उससे आप पहले सीट इंसर्ट करना चाहते हैं या उसके बाद, जहाँ पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे हमने आफ्टर करंट सीट को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें जिस सीट का उपयोग कर रहे हैं उसके बाद एक नया सीट चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो करंट सीट के बाद में एक नया सीट आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, सीट वन के बाद यहाँ पे सीट 4 लिखा हुआ है क्योंकि हमारा करंट सीट सीट 1 था, उसके बाद हमने नया सीट को इंसर्ट किया तो यहाँ पे सीट 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप सीट की मदद से नए सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब सीट फ्रॉम फाइल ऑप्शन के बारे में सीखें। क्या आप बता सकते हैं सीट फ्रॉम फाइल का उपयोग क्यों करते हैं? सीट फ्रॉम ऑप्शन की मदद से आप सेव की हुई फाइल से किसी भी एक सीट को अपने सीट पर ला सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीट फ्रॉम फाइल ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीट फ्रॉम फाइल का उपयोग करना सीखें और ये भी जाने कि उससे क्या होता है। सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर अपने पॉइंटर को सीट फ्रॉम फाइल पे लेके जाना है और वहां पे क्लिक कर देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही हम वहां पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा। सीट फ्रॉम फाइल से आप पहले से सेव की गई स्प्रीड शीट की फाइल को सीट से पहले या सीट के बाद ऐड कर सकते हैं, उसे ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
आपने जहां पे फाइल सेव किया है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें जहां पे आपकी स्प्रेडशीट की फाइल है। यहाँ पे हम अलग अलग लोकेशन से कोई सी भी फाइल को ले सकते हैं जहां पर आपकी फाइल सेव होगी। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं क्लास वन के नाम से एक फाइल है, हमने उसको सेलेक्ट किया क्योंकि हमें इस फाइल को इंसर्ट करना है, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जो हमारे पास पहले से 3 सीट बने, बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होते हैं, वो तीनों सीट यहाँ पर आए। आप किस सीट के बाद में या किस सीट से पहले चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे सीट वन को सिलेक्ट किया है, यानी कि हमें सीट वन से पहले चाहिए क्योंकि हमने ऊपर बिफोर सीट बिफोर करंट सीट सिलेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब जब हम ओके पे क्लिक करेंगे जो हमने फाइल को सिलेक्ट किया था वो सीट वन जो है उससे पहले आएगा, जो सीट हमने इंसर्ट कर रहे हैं वो सीट वन से पहले आएगा। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया वीडियो में देख सकते हैं जो सीट वन है उससे पहले जो हमारी ये सीट है वो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप नीचे ध्यान से देख सकते हैं सीट वन से पहले एक सीट है, जैसे हमने सीट वन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं एक और सीट है। तो इस प्रकार से आप सीट फ्रॉम फाइल से कोई सा भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं और सीट जो बाय डिफॉल्ट पहले जो सीट है उसके बाद या उससे पहले सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हाइपरलिंक का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि आप राइटर और इम्प्रेस में सीख चुके हैं कि हाइपरलिंक की मदद से आप एक लिंक के द्वारा आप किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब आप सभी हाइपरलिंक की मदद से सेव की हुई फाइल को कैल्क की फाइल में ओपन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से हाइपरलिंक का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहां पे आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक सेल को सिलेक्ट किया। फिर अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाना है, वहां पे क्लिक करना है, एक बॉक्स आ जाएगा। फिर अपने पॉइंटर को हाइपरलिंक लिखे ऑप्शन पे लेके जाना है, वहां पे क्लिक करें। क्लिक करते ही जो हाइपरलिंक का बॉक्स है, जो डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन हो जाएगा, वो आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कोई फाइल को लिंक के द्वारा यहाँ पे ऐड करना है। ओपन फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल यहाँ पे आ गई, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको कोई सा भी फाइल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो फाइल चाहिए जिस लोकेशन से फाइल चाहिए उस लोकेशन को पहले सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया हुआ है। अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें, अगर आपने डाउनलोड में सेव किया है डाउनलोड, अगर आपने डॉक्यूमेंट में किया है, जहां भी आपने अपने फाइल को सेव किया है उस लोकेशन को सिलेक्ट करें पहले। सिलेक्ट करने के बाद जिस फाइल को आपको इंसर्ट करना है, जिस फाइल को आप ऐड करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करें, फिर ओपन पे क्लिक करें। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे जो उस फाइल की लोकेशन है, जो पाथ है, वो वहां पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं उस फाइल की लोकेशन की जगह जो आपका हाइपरलिंक है वो आपके नाम या किसी दूसरे नाम से है, तो उसके लिए आप जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हाइपरलिंक लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि आपको हाइपरलिंक ही लिखना है, आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या कि कोई भी नाम लिख सकते हैं। जो नाम यहाँ पे लिखेंगे आप उसी नाम से जो आपका लिंक जो फाइल का लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर जाके क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे जो हमने टेक्स्ट में नाम दिया था उस नाम से यहाँ पे हाइपरलिंक आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे हाइपरलिंक लिखा था तो यहाँ पे हाइपरलिंक से ही एक लिंक बना हुआ यहाँ पे आ गया। फिर इसको ओपन करें,
जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसको ओपन करने के लिए अपने पॉइंटर को वहां पे लेके जाना होता है और कंट्रोल के बटन को दबा के लेफ्ट बटन दबाना होता है, जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो फाइल है वो ओपन हो गया है। अब इस फाइल को क्लोज कर दें। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को लगा सकते हैं और उसे आप अपने नाम के द्वारा भी लिख सकते हैं। आइए अब फंक्शन ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फंक्शन ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फंक्शन ऑप्शन प्रीट हीट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है, क्योंकि फंक्शन ऑप्शन की मदद से आप स्प्रेडशीट के सभी फॉर्मूला को देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से फंक्शन ऑप्शन के बारे में सीखें। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, फिर अपने पॉइंटर को फंक्शन पे लेके जाना है और उस पे क्लिक करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके पास जितने भी स्प्रेडशीट के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे स्क्रोल डाउन करके उन सारे फॉर्मूलाज को देख सकते हैं और उन फॉर्मूलाज के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, ऑल में सभी फॉर्मूलेज आएंगे, डेटा बेस में जो डेटा से रिलेटेड है उसके रिलेटेड फॉर्मूला आ जाएगा, मैथमेटिक्स में मैथ्स के फॉर्मूले। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले यहाँ से आ जाएगा। स्ट्रक्चर से आप उस फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं। पहले उसको कोई भी फॉर्मूला को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एबीसी को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उस फॉर्मूला को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फंक्शन लिस्ट की मदद से सभी फॉर्मूलाज के बारे में जान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं ये भी सीख सकते हैं, किस प्रकार की एरर आएगी ये भी जान सकते हैं। अगला ऑप्शन फंक्शन लिस्ट का है। क्या आप जानते हैं फंक्शन लिस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? फंक्शन लिस्ट ऑप्शन की मदद से आप सभी फॉर्मूला को एक लिस्ट में देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से फंक्शन लिस्ट के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से फंक्शन लिस्ट के बारे में सीखें। फंक्शन लिस्ट का उपयोग कैसे करते हैं, आइए यह सीखते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को फंक्शन लिस्ट पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो जितने फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सारे फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। आप स्क्रॉल डाउन करके उन सभी फॉर्मूला को आप देख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैथ्स के, फाइनेंशियल के, हर एक प्रकार के यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। आप चाहे इनमें से किसी भी फॉर्मूला का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इसको आपको फिर से हटाना है, फिर से फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपका ये फॉर्मूला जो जो लिस्ट आया था वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप फंक्शन लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप चार्ट के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कैल्क में चार्ट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? चार्ट ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा को एक ग्राफिकल की तरह देख सकते हैं। चार्ट की मदद से आप एक रो को दूसरी रो से तुलना करके देख सकते हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में दो टीमों की तुलना करके दिखाते हुए देखा होगा, उसी प्रकार से आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं।
चार्ट को आप ग्राफ भी बोल सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से चार्ट का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से चार्ट ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। चार्ट ऑप्शन की मदद से आप जो भी डेटा टाइप करते हैं उसको आप ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं, उसे ग्राफिक के रूप में दिखा सकते हैं और अपने डेटा को ग्राफिक्स के द्वारा उसे कंपेयर या उसकी तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने डेटा को सेलेक्ट किया, फिर अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया, एक बॉक्स आया, फिर अपने पॉइंटर को चार्ट ऑप्शन पे लेके गए। जैसे ही हम चार्ट ऑप्शन पे लेके जाएंगे वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चार्ट टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप चार्ट इंसर्ट करना कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइंस। ये सारे अलग अलग प्रकार के चार्ट्स हैं, आप इनमें से चाहें तो कोई से भी टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आप चार्ट को ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पाई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है अलग अलग ऑप्शन। मैंने पाई ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है डेटा रेंज का आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे जो आपका चार्ट है जो आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लेजेंड टाइप्स है, जो हमने नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आया हुआ है। जैसे आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं जो नेम लिखा हुआ है ए बी ए बी सी डी ई, ये सारे नेम है वो इनको यहाँ पे चार्ट में दिखाया हुआ है, उसको अलग अलग कलर के रूप में दिखाया गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए बी है उसे ब्लू कलर से, जो ए है ऑप्शन उसे ऑरेंज, बी को येलो, सी को ग्रीन, टी को मैजेंटा, ई को स्काई ब्लू से यहाँ पे दिखाया गया है और ये सारी उसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और उसे अपने डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, उसे आप ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं। आइए अब कुछ फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। अब आप इफ एंड और काउंट ब्लैंक फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं इफ फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? इफ फॉर्मूला बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है क्योंकि यह दो ऑप्शन को चेक करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पास और फेल। आइए वीडियो की मदद से फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से इफ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। इफ फॉर्मूला एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, हमने कुछ नेम्स, रोल नंबर, मैथ, इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा है। अब उसका हम पहले टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए सबसे पहले सम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो इक्वल टू हमने यहाँ पे सम लिखा। जैसे कि आप सभी जानते हैं टोटल निकालने के लिए सम फॉर्मूला को यूज करते हैं। फिर हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, जिस नंबर का हमें टोटल करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने नंबर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और फिर एंटर बटन प्रेस कर दिया, जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी सभी का टोटल निकालने के लिए उस सेल को पहले सेलेक्ट करें जो हमने पहले टोटल निकाला है और कर्सर पे यहाँ पर रख के नीचे ड्रैग कर ले।
ड्रैग करते ही ऑटोमेटिक सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमें इफ का फॉर्मूला लगाना है। इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इफ लिखें ऊपर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमें अगले सेल में नीचे यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लिखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, फिर इफ लिखा, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग लगाया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाया। फिर जो हमने टोटल वैल्यू है, जहाँ पे टेस्ट वैल्यू है, हमने वहां पे उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे, जो 193 जो हमने सेलेक्ट किया है इज ग्रेटर देन, यहां पे हमको कंडीशन दे रहे हैं 185। हमने यहाँ पे कंडीशन दिया जो F2 है इज ग्रेटर देन 185। फिर इसके अंदर हम कमेंट देंगे, कमेंट देने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया हमने। आप सभी को सेमी कॉलन का उपयोग करना है। जो आपका कमेंट होगा या स्टेटमेंट होगा वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा हमने यहाँ पे लगाया, इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट किया। फिर उसके अंदर हमने लिखा पास, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर इन्वर्टेड कोमा को क्लोज किया, हमने पहले एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट देंगे। सेकंड स्टेटमेंट देने के लिए आपको फिर से सेमी कॉलन का उपयोग करना है, तो हमने एक बार सेमी कॉलन को यहाँ पे दबाया, सेमी कॉलन के निशान लगाया। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि अभी बताया गया कि कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लिखा और उसके अंदर फेल लिखा, फिर इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दो स्टेटमेंट दिया हमने, पास और फेल, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है। आप सभी को भी ऐसे करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट दिया हमने F2 इज ग्रेटर देन 185, जो हमने टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पे है वो F2 है, यानी कि 193। कंडीशन ये है कि अगर 185 जो भी वैल्यू अगर 185 से ग्रेटर है, जो हमने स्टेटमेंट दिया अगर ग्रेटर आएगा तो उसे पास शो करेगा, अगर 185 से कम वैल्यू आया तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमने फेल का लगाया था तो वो फेल होगा। अब हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे पास लिखा हुआ गया। पास इसलिए लिखा हुआ आया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो 185 का दिया था और यहाँ पे जो वैल्यू है 193 है, वो 185 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पास लिखा हुआ है। अगर 185 से वैल्यू कम होता तो वहां पे फेल लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू 185 से ज्यादा होगा वहां पे पास लिखा हुआ आएगा, और जो वैल्यू 185 से नीचे होगा वहां पे फेल लिखा हुआ आया होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड सेल में 130 लिखा है वहां पे फेल, 184 वहां पे भी फेल, 190 पास, 189 पास, 181 फेल। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एंड फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। एंड फॉर्मूला की मदद से आप दो वैल्यू को चेक करते हैं, अगर दोनों वैल्यू सही है तो आंसर आपको ट्रू अथवा फॉल्स में देगा। आइए अब वीडियो की मदद से एंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से
एंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एंड फॉर्मूला ये दो स्टेटमेंट को चेक करता है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट अगर गलत है तो उसे फॉल्स दिखाएगा। एंड फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आप इसे उपयोग करना चाहते हैं आप वहाँ पे टाइप करें। जैसे कि हमें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे एंड फॉर्मूला, हमने यहाँ पे एंड लिखा है एच कॉलम में, उसके नीचे हमें एंड फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाना होता है। उसके बाद जो फॉर्मूला है एंड, हमने यहाँ पे एंड टाइप किया। उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लॉजिकल वैल्यू 1, लॉजिकल वैल्यू 2, इस प्रकार से। अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेस्ट वैल्यू लिया, जो हमने 66 को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने 66 को सेलेक्ट किया यहाँ पे E2 आ गया, क्योंकि ये E2 सेल में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया E2 इज ग्रेटर देन D2। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन दिया जो 66 है वो ग्रेटर देन है 64 से, जो एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर हम यहाँ पे अगला स्टेटमेंट देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देने के लिए आप सभी को सेमी कॉलन का यूज करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए पहले कंडीशन टेस्ट वैल्यू लिया, जो हमने 193 को सेलेक्ट किया। ये F2 कॉलम, F2 सेल में है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इसको सेलेक्ट किया। F2 इज लेस देन E2, E2 के अंदर 66 है, F2 इज लेस देन E2, मतलब 193 इज लेस देन 66, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, एंड फॉर्मूला के अंदर दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा एक भी स्टेटमेंट गलत होगा, जो रिजल्ट आएगा उसे फॉल्स शो करेगा। जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया, रिजल्ट फॉल्स आ गया। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट दिया, एक तो स्टेटमेंट सही था लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत था। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो E2 है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन D2, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, जो F2 इज लेस देन E2, ये स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से अब दूसरे सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से यहाँ पे इक्वल टू लगाएं, फॉर्मूला का नाम लिखें। जैसे कि हमने यहाँ पे ए एंड डी एंड लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले टेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने E3 को सेलेक्ट किया। E3 सेल के अंदर 65 लिखा हुआ है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया E3 इज ग्रेटर देन, हम यहाँ पे दूसरे सेल को क्या D4, D4 एक अलग वैल्यू है जो 62 है। हमने यहाँ पे कंडीशन दिया E3 इज ग्रेटर देन D4, जो एक ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 65 62 से बड़ा है। फिर हमने अलग स्टेटमेंट देने के लिए, दूसरी स्टेटमेंट देने के लिए हमने सेमी कॉलन लगाया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। F3 इज लेस देन E3, देख सकते हैं आप, F3 के अंदर 130 लिखा हुआ है और E3 के अंदर 65 लिखा हुआ है।
देख सकते हैं जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे भी ये गलत गलत स्टेटमेंट है। इसी वजह से यहाँ पे जैसे ही हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया फॉल्स लिखा हुआ आया। जैसे कि आप जानते हैं एंड फॉर्मूला के अंदर जो दोनों वैल्यू है दोनों वैल्यू सही होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई सी भी वैल्यू गलत होगा तो उसे फॉल्स दिखाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप आपको दिखाया जा रहा है E3 इज ग्रेटर देन D4 एक ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है F3 इज लेस देन E3 ये एक गलत स्टेटमेंट है जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स आया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर दें जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने जो कंडीशन पहले दिया था F3 इज लेस देन E3 जो एक गलत स्टेटमेंट था, लेकिन अब हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज किया F3 इज ग्रेटर देन E3 जो एक ट्रू वैल्यू है। अब दोनों देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है वो अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया जो यहाँ पे रिजल्ट आया वो यहाँ पे ट्रू आ गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू है। इस प्रकार से आप एंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप और फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। और फॉर्मूला की मदद से आप दो वैल्यू को चेक करते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू सही होता है तो उसे ट्रू दिखाता है और दूसरे वैल्यू अगर दोनों वैल्यू गलत होगा तब उसे फॉल्स दिखाएगा। आइए वीडियो की मदद से और फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से और फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। और फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए सबसे पहले एक अलग कॉलम में वहां पे जहाँ पे आपको फॉर्मूला उपयोग करना है वहां पे और लिखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे और लिखा, अब हम इसके नीचे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले उपयोग करने के लिए इक्वल टू का निशान लगाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर और टाइप करें हमने यहाँ पे और लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी हम यहाँ पे फिर से कंडीशन देंगे, हमने यहाँ पे F2 जो 193 है उसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे कंडीशन दिया F2 इज ग्रेटर देन E2 जो E2 है वो 66 है, F2 इज ग्रेटर देन E2 ये एक ट्रू वैल्यू है एक ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट देने के लिए सेमी कॉलन का उपयोग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, फिर से हमने F2 को सिलेक्ट किया, इस बार हमने कंडीशन दिया F2 इज लेस देन E2 मतलब 193 इज लेस देन 66 जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एंटर बटन को प्रेस किया फिर भी यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आया। इसका मतलब यह है जो और का फॉर्मूला है इसके अंदर दो स्टेटमेंट या कितने भी स्टेटमेंट हो उसके अंदर अगर एक भी स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, यहाँ पे फॉल्स तभी दिखाएगा अगर सारे स्टेटमेंट गलत हो। लेकिन एंड फॉर्मूला के अंदर क्या होता है उसके अंदर सभी स्टेटमेंट सही होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही था फिर भी यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आया, अगर दोनों स्टेटमेंट गलत होता तब जाके यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आता। तो इस प्रकार से आप एंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीख सकते हैं, एंड फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप और फॉर्मूला का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब काउंट फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। काउंट फॉर्मूला की मदद से आप अपने सीट पर
यह देख सकते हैं कि आपने कितने सेल पे काम किया है, उन सेल को काउंट करके दिखाता है। आइए अब वीडियो की मदद से काउंट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से काउंट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले काउंट फॉर्मूला को जहां पे उपयोग करना है उस सेल में आप काउंट लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमें जे कॉलम में काउंट का फॉर्मूला उपयोग करना है, इसलिए मैं जे कॉलम में यहाँ पे काउंट लिखा। अब उसके नीचे हम उस सेल के नीचे अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमने सेल में सबसे पहले, आप सभी जानते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले इक्वल टू लिखा यहाँ पे। फिर काउंट लिखेंगे क्योंकि काउंट फॉर्मूला को काउंट ही लिखते हैं। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे value 1 value 2 लिखा हुआ है। काउंट फॉर्मूला के अंदर जितने भी डेटा है जहां पे आपने टाइप किया उन सभी को टाइप कर उन सभी को काउंट करके बताएगा कि जिसके अंदर काम हुआ है, जितने डेटा आपने यूज किया है, जिस जिस सेल के अंदर काम हुआ है, उन सबको उन सेल को काउंट करके दिखाएगा। फिर हम यहाँ पे पूरे डेटा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 आ गया। 30 मतलब हमने 30 सेल का हमने यूज किया है। जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था अभी, जो हमने रेंज दिया था, वो 30 सेल था और 30 सेल के अंदर काम किया हुआ था। तो इस प्रकार से काउंट की मदद से आप अपने सेल्स को काउंट कर सकते हैं जहां जहां पे काम हुआ है। आइए अब काउंट ब्लैंक फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला की मदद से आप शीट को सेलेक्ट करके ये जान सकते हैं कि कितने सेल ब्लैंक हैं। आइए वीडियो की मदद से काउंट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं काउंट ब्लैंक का उपयोग कैसे करते हैं। काउंट ब्लैंक की मदद से आप उन सेल को काउंट कर सकते हैं जहां पे ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे जिस डेटा को, वहां पे जितने ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करके बताएगा। सबसे पहले जिस कॉलम के अंदर आपको काउंट ब्लैंक करना है वहां पे काउंट ब्लैंक लिखें। जैसे हमने ई कॉलम में हमें काउंट ब्लैंक फॉर्मूला को यूज करना है तो हमने यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखा। फिर फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का उपयोग करेंगे, हमने इक्वल टू यहाँ पे लिखा। फिर फॉर्मूला का नाम लिखेंगे काउंट ब्लैंक, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखा। ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट को लगाया। अब हम यहाँ पर रेंज देंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ पे काउंट करना है, सेल को कहाँ पे काउंट करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 7 जो सेल है वो ब्लैंक है। यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था, जितना हमने सेलेक्ट किया था वहां पे टोटल 7 सेल ब्लैंक है, 7 सेल खाली है जिसके अंदर कोई भी काम नहीं किया हुआ था। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 7 सेल जो जो खाली है, जैसे कि आप वीडियो में देखते हैं हमने यहाँ पे टोटल 7 सेल ब्लैंक है। तो इस प्रकार से आप काउंट ब्लैंक की मदद से उन ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं।
अब आप सभी अपनी फाइल को पीडीएफ की फाइल में बनाकर दिखाएं, क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी फाइल को सेव करें और फिर फाइल को क्लोज कर दें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर दें। आज की क्लास में आपने जो सीखा वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैनुअल ब्रेक, सेल्स, रो, कॉलम, सीट, हाइपरलिंक, चार्ट और सबसे बाद में इफ एंड और काउंट, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला के बारे में सीखा।